आज के इस वीडियो में जिस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेई मेंस के 8 अप्रैल 2019 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर अपने पास क्या करा है कि द सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का अपने के पास इस इक्वेशन के सॉल्यूशन का अपने का सम निकालना है। तो चलिए सबसे पहले अपने इसके सॉल्यूशन तो पता कर लीजिए कि सॉल्यूशन क्या है, और यहाँ पर क्या करा है कि एक्स अपने पास पॉजिटिव होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले अपने पास इक्वेशन क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टाइम्स टू इसका मॉड प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और इनटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और माइनस टाइम्स फोर दे रखा है और प्लस टाइम्स टू इक्वल टू जीरो के बराबर दे रखा है। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से अपने क्या आंसर आ जाएगा, मॉड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और माइनस टू के बराबर और प्लस टाइम्स इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह स्क्वायर रूट ऑफ टू नहीं है, यह अपने स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इन पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अंदर जाएगा तो दो बार आएगा, माइनस टाइम्स फोर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टाइम्स टू इक्वल टू जीरो। अपन क्या कीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स में परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कीजिए, दिया गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टाइम्स टू प्लस टाइम्स, यहाँ से तो अपने क्या स्क्वायर रूट ऑफ टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो ये तो ऐसे ही आ गया पहले से दे रखा, माइनस टाइम्स टू इनटू ए की जगह स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और बी की जगह टू, तो यही लिखा हुआ टू टू या फोर एक्स प्लस टाइम्स, अपने क्या टू का स्क्वायर फोर और यह आ गया, सॉरी फोर नहीं, अपने क्या टू का स्क्वायर करना है ना, यहां से अपने क्या आ जाएगा फोर और माइनस फोर प्लस टू के बराबर, कोई दिक्कत, इस फोर को क्या कीजिए अपने क्या टू का स्क्वायर लिख दीजिए, लिख सकते हैं ना टू का स्क्वायर, दिया गया टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर एट की है तो टू का स्क्वायर घटा करके अपने माइनस फोर कर दिए इक्वल टू जीरो के बराबर। हाँ या ना, यहाँ पे किसी को दिक्कत है तो बोलिए, ये अपने क्या कुछ नहीं किया, फोर एट किया और फोर सब्ट्रैक्ट कर दिए और प्लस टू, तो अपने क्या ये एज एट इज यहाँ पर आते हुए आ रहा है पहले से, यहाँ से सॉल्व करिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने क्या किसके बराबर हो जाएंगे, मॉड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टू के बराबर और यहाँ से प्लस टाइम्स, यह आ गया स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टू का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स दिस, तो स्क्वायर रूट ऑफ टू और यह आ गया अपने माइनस टाइम्स, ये किसके बराबर हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स टू, इन पूरे का होल स्क्वायर हो जाएंगे, ये बार बार टू क्यों आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर अपने एक्स आएंगे ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से माइनस फोर में से सिर्फ और सिर्फ कितने को देखिए, इतने को देखिए, जितना हम दिखा रहे उतना ही को देखिए, ठीक है, ये अपने क्या क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और यह आ गया माइनस टू इक्वल टू जीरो के बराबर। हाँ या ना, कर सकते इतना, तो यहाँ से अपने क्या कीजिए, इसको पहले लिख दीजिए, तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और माइनस टू इन पूरे का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स यह आ गया मॉड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और माइनस टू, कोई दिक्कत नहीं, और माइनस टाइम्स टू इक्वल टू जीरो, यहाँ से अपने क्या एक मॉड की प्रॉपर्टी लगेगी, मॉड की प्रॉपर्टी हम यहाँ पर बता दे रहे हैं साइड में, यहाँ से मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपने पास एक्स स्क्वायर बोलिए या मॉड एक्स का स्क्वायर बोलिए, यानी तो अपने के पास एक्स स्क्वायर का मॉड बोलिए, दोनों सारी बात अपने पास बराबर है, तो यहाँ से इसकी जगह अपने पास लिख सकते हैं क्या, इसकी जगह लिख सकते हैं मॉड एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ से अपने क्या कीजिए, मॉड एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टू इनका अपने पास होल स्क्वायर प्लस टाइम्स मॉड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टू और माइनस टाइम्स टू इक्वल टू जीरो के बराबर। अब यहाँ पर गौर से देखिए तो ये अपने पास ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम दिख रहा है, जब ये दोनों सेम दिख रहा है तो अपन क्या कीजिए, लेट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और माइनस टू इसका जो मॉड है ना उसको अपने क्या किस बराबर आएगा, टी के बराबर, जैसे टी के बराबर मानेंगे तो ये क्वांटिटी अपने क्या किस बराबर आएगा, टी स्क्वायर प्लस टाइम्स टी और माइनस टाइम्स टू इक्वल टू जीरो के बराबर। इनका आप तो फैक्टर कर सकते हैं, अगर चाहते तो वैसे भी फैक्टर कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम इसको टी मान लीजिए, जैसे सेम सब कुछ दिखे तो टी मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ से आ गया टी माइनस टू और इनटू में अपने क्या आ जाएगा, टी माइनस वन के बराबर इक्वल टू जीरो। अपन को चाहिए प्लस, तो इसको प्लस कर दीजिए, इसका फैक्टर कर सकते हैं, आपको फैक्टर इतना करने आ रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ से अपने क्या आ जाएगा, टी प्लस टू इक्वल टू जीरो के बराबर और टी माइनस वन इक्वल टू जीरो के बराबर। तो यहाँ से अपने क्या टी का वैल्यू किसके बराबर हो गया, टी इक्वल टू माइनस टू के बराबर हो जाएंगे और टी इक्वल टू वन के बराबर। अब यहाँ से टी इक्वल टू माइनस टू आ गया, टी इक्वल टू वन आ गया, लेकिन टी माने क्या था, मॉड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टू के बराबर, तो यहाँ से अपने क्या कीजिए, मॉड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल टू माइनस टू के बराबर हो गया और यहाँ से मॉड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल टू अपने क्या वन के बराबर। एक चीज आप देख रहे हैं क्या, कुछ देख रहे हैं तो बोलिए, ये अपने क्या कभी पॉसिबल है, ये कभी भी मॉड नेगेटिव आ सकता है ना, तो ये अपने नॉट पॉसिबल, ये अपने कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, मॉड अपने कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, जब ये पॉसिबल नहीं तो ये पॉसिबल है, जैसे अपने ये पॉसिबल है तो ये अपने एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार अपने माइनस ले लीजिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल टू अपने वन हो जाएंगे और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल टू अपने वन के बराबर हो जाएंगे। एक बार माइनस वन ले लीजिए, ठीक है, एक बार क्या कीजिए अपने माइनस वन ले लीजिए और एक बार प्लस वन, तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स
और इक्वल टू क्या आ गया माइनस वन और प्लस टेन जब इनके किसके बराबर जाएगा टू के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व किया तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे तो माइनस वन, तो ये आ गया अपने वन के बराबर। तो एक्स इक्वल टू किस पर आ जाएगा अपने वन के बराबर, जैसे अपने इधर स्क्वायर करेंगे तो एक्स इक्वल टू आ गया यहाँ से वन के बराबर। सिमिलरली यहाँ से सॉल्व किया तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया वन प्लस टू के बराबर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू किस पर आ जाएगा अपने थ्री के बराबर। तो एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे यहाँ से तो थ्री का स्क्वायर यानी अपने नाइन के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू किस पर आ जाएगा नाइन के बराबर। अब देखिए दो अलग अलग सोल्यूशन आएंगे, एक्स इक्वल टू वन एक्स इक्वल टू नाइन, यहाँ से कोई सोल्यूशन आने ही वाला नहीं था क्योंकि अपने ये पॉसिबल ही नहीं था। तो ये अपने किसके बराबर है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सम ऑफ द सोल्यूशन, ये पूछ रहा है ना सम ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के सोल्यूशन बताने के लिए, सोल्यूशन के सम बताने के लिए। तो सोल्यूशन का सम अपने क्या जाएंगे तो यहाँ से लिख लीजिए सम ऑफ सॉल्यूशन सम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या जाएगा वन प्लस नाइन के बराबर, वन प्लस नाइन डेट मीन्स टेन के बराबर। तो अपने टेन क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए टेन कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन से ऑप्शन में, तो यहां से देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपने क्या सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपने क्या क्या जाएंगे करेक्ट आंसर इनके हो जाएंगे। तो ये थे आपने के पास जेई मेंस के 8 अप्रैल 2019 के 2019 के शिफ्ट वन का क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में हम तो पूरी कोशिश की आपको समझाने की, अगर फिर भी कोई डाउट आ जाए तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।